अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि बहन की तरफ है इफ्तारी और मैं जो समझ नहीं आ रहा कि मैं आज कौन से कपड़े जो है सिलेक्ट करूं और कौन से कपड़े क्या करूं। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि समझ ही नहीं आ रही कौन से पहने। कपड़े ही नहीं होते यार, जब अलमारी खोलो कुछ होता ही नहीं है पहनने के लिए। और वैसे लगता है कि जैसे पता नहीं कितना कुछ टंगा हुआ। तो मुझे आज फील हुआ कि मेरे पास तो यार कपड़े ही नहीं है कि जो बंदा समझ नहीं आ रही क्या पहनूं। तो अलमारी के कोनों खुदरों में घुस के मैंने काफ़ी कपड़ों की कोशिश की है कि कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अगर यही बात मैं अपनी अम्मी को बता दूँ या अपनी अम्मी के सामने कर लूँ तो मेरी अम्मी एक लफ्ज़ बोलती होती हैं जो कि सबकी अम्मियाँ बोलती हैं, तो बस समझ जाएँ कि मुझे भी वही कुछ बोलती हैं और मैं आपको यहाँ बता नहीं तो बड़ी सकती। मुश्किल से मुझे ये एक सूट मिला अपना और मैंने सोचा चलो आज ही पहन लिया जाए, क्योंकि ये मैंने वैसे भी एक ही दफ़ा पहना था, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पहना जाए। तो क्योंकि आज इफ्तारी पे जाना है तो चले तैयार होते हैं। उससे पहले कुछ घर के काम है, मैं सोच रही हूँ वो क्या कर कर लूँ। लिए मानो। उधर देखो जरा, आई मेरा बेबी। तो रहमीन यहाँ लगी हुई है अपना टूथब्रश करने। जैसा कि आपको पता है कि जब कोई इफ्तारी पे बुलाए कितना दिल को सुकून मिलता है, ठंड पड़ जाती है कसम से कि किसी ने इफ्तारी पे इनवाइट किया है। तो बस अब हम तैयार होते हैं, घर को साफ साफ करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है मिस रोज़ की लाइट कवरेज फाउंडेशन जो कि बहुत ही अच्छी है और कल ही मुझे मिली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसका रिव्यू भी दूँ साथ साथ कि ये कैसी है। तो बहुत ही लाइट है और बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि बहुत केकी फेस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही फ्लॉलेस किस्म की ये बेस ही अच्छी रही। साथ ही मैंने कंसीलर मेरा पड़ा हुआ था एक कौन सी कंपनी का, अब उसका नाम शाम मिट गया, बाहर कंसीलर लगाया है। और अब क्योंकि वेदर भी ज़रा चेंज हो गया है तो जितना कम से कम बेस जो है फेस पे लगाई जाए वो ज़्यादा बेहतर है। तो वैसे भी वैसे मुझे पसंद है कि थोड़ी लाइट बेस, तो अब तो वैसे ही थोड़ा मौसम चेंज हो गया। तो बस हमने टैप टैप करके कंसीलर और बेस को जो है वो एक जैसा कर दिया। मम्मा मेरा कार्ड दी गई है इन माय हार्ट पर। ठीक और यहाँ मेरे पास जैज़ मेटाज़ का सिल्क फिनिश कॉम्पैक्ट पाउडर था, उसको मैंने कंसीलर क्योंकि लगाया था तो साथ ही मैंने उसको आईज़ अंडर आई लगा लिया था ताकि लाइंस वगैरह ना पड़ें। और मोस्टली आप देखते हैं कि जब हम कंसीलर लगाते हैं तो लाइंस पड़ जाती हैं। तो जब भी आप कंसीलर लगाएं तो साथ ही आप कोई भी आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर हो वो आप लगा लें, तो फिर आपकी लाइंस जो हैं वो नहीं क्रिएट होंगी वहाँ पर। तो बस यहाँ पे मैंने फेस को कॉन्टोर करना शुरू किया है ताकि जो फेस जो है आपका ज़रा अच्छे कट्स लगें। बहुत बड़ा मुंह हो जाता है, ज़रा कम लगे। अच्छे से फेस को कॉन्टोर करते हुए नेक पर आप लाजमी क्या करें, और मतलब जिनकी डबल चिन होती है ख़ास तौर पे वो, तो साथ ही मैंने जो चीक बोन्स होती हैं या नोज़ की कॉन्टोरिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा वो होती है। मुझे वैसे ज़्यादातर जो है मुझे नोज़ का बहुत ज़्यादा होता है कॉन्टोर। मतलब फेस अगर कॉन्टोर अच्छा हुआ हो ना तो आपका मेकअप आपकी लुक्स बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जैसे कि आप ये देखें मैंने कॉन्टोरिंग पूरी कर ली है। और यहाँ मेरे पास मेबलिन की थी आई पेंसिल ब्लैक, बहुत अच्छी पेंसिल है ये भी। और ये मैंने लगाई है थोड़ी सी क्योंकि जैसे कि आज जो लुक है मेरी वो ब्लैक के ऊपर है। और सच ये तो बताना मैं भूल ही गई कि ड्रेस मैंने कोई और निकाला था, और बिल्कुल जो जब मैंने सोचा और मैंने देखा तो मुझे याद आया कि मेरा ये भी एक ड्रेस है, तो मैंने वो छोड़ के ये वाला ड्रेस चूज़ किया। तो बहरहाल आज जो मैं मेकअप कर रही हूँ ब्लैक शर्ट है और इसका जनरेशन का गरारा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा स्मोकी मेकअप मैं करूँगी, लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कुछ इस तरह से होगा कि आई जो होगी वो थोड़ी डार्क होगी काजल शाजल के साथ, और जो लिपस्टिक होगी वो बहुत लाइट से शेड की होगी। तो बाहर एसेंस का मेरे पास यहाँ मस्कारा था वो मैंने यूज़ किया है। एसेंस का मस्कारा मेरा बहुत फेवरेट मस्कारा है क्योंकि मेरी लैशेस जो है ना मासूम कम हो गई हैं, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा जो है आई लैश एक्सटेंशन लगवाई थी और उसका नुकसान ये हुआ कि जो मेरी अपनी भी थी ना वो भी चले गई। खैर माशाल्लाह हैं, लेकिन जैसे बहुत थिक थी ना तो वो अब थिक नहीं रही। तो बस यहाँ शी ग्लैम का मेरे पास था ब्लश ऑन तो मैंने वो लगाया, बहुत अच्छा ब्लश ऑन है ये उड़ नहीं जाता। अक्सर मैंने कितने सारे ब्लश ऑन लिए हैं
लेकिन जो रिज़ल्ट इसका है ना, वो सीरियसली वो मुझे किसी ब्लश ऑन का नहीं लगा अभी तक। तो शी ग्लैम का जो ब्लश ऑन है बहुत बेस्ट है, तो बस मैंने ये आज ये लगाया है। यहाँ मेरे पास एक रिवाज की ब्राउन कलर की लिप्स लिप लाइनर था, उससे मैं लाइन बनाऊंगी, लिप लाइन क्रिएट करूंगी, और ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और मोस्टली ये बहुत सारे लाइट शेड्स या न्यूड शेड्स होते हैं आपके पास, तो उनके साथ ये बहुत अच्छा जाता है। और मैं लाजमी ये जो है कलर लिप लाइनर का, ये लाजमी यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये मैंने लगाया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसके साथ मैं लाइट शेड में कोई भी लिपस्टिक, या वो ब्राउन कलर में भी जा सकती है, कोई न्यूड में भी जा सकती है, लाइट पिंक में भी जा सकती है, तो मैं वो लूँगी। जैसे कि ये मेरे पास था और मैंने इसको लगाया है, और ये बहुत प्यारा कलर है, और इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा डार्क लग रहा है, लेकिन ये बहुत लाइट सा था। और ज्वेलरी इसके साथ मैंने कुछ ये पहनी थी, और आज मैंने नोज़ पिन पहना है, और नोज़ रिंग जो है मैंने उतार दिया था, और नोज़ पिन पहना है, और कुछ ज्वेलरी कुछ इस तरह से थी। ये जो झुमकास हैं ये मैंने पता नहीं कब ख़रीदे थे, मुझे अब याद नहीं है, तो कुछ इस तरह की लुक क्रिएट हुई आज थी। की तो आज की लुक मेरी कुछ ऐसी थी, गरारा है ये, मैंने जनरेशन से लिया था। शर्ट मैंने खुद बनवाई थी, और शॉल जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये किस शॉप से मंगवाई थी मुझे याद नहीं आ रहा। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और बस जाने के लिए रेडी हैं अभी। तो बस मैं आ गई हूँ, और तकरीबन 5:30 या 6:45 बजे का टाइम है, लेट हो गया मैं आते आते, और बस आए हैं घर। बड़ा प्यारा इसने डेकोर किया हुआ था, और सारे यहाँ आ चुके थे, और बस मैं ही लेट होती हूँ हमेशा की तरह। तो आए मैं दिखाती हूँ कि इसने किस तरह से अपना रमज़ान कॉर्नर जो है वो सजाया हुआ, बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखें जैसा कि ये आपके सामने है। चलो बच्चों चले जी, ओए 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 चले जी। रोज़ा अभी खुला नहीं है, और आवाम बेकाबू हो चुकी है, सारे ग्लास सूफी के आगे पड़े हुए हैं। ओए होए होए, यहाँ तो शोर पड़ गया है बड़ा ज्यादा। रोज़ा